हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अब हम विसाले यार से बेजार बहुत हैं, उसकी वजह से आज कर्जदार बहुत हैं। पैसों से उनका आज भी दिल भर नहीं पाया, हालांकि उनके पास तो अंबार बहुत हैं। भैया मुस्तकबिल की फिक्र है, किसको दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को, जब से बच निकला है कप्तान कुछ लोग हैं और भी परेशान। कहने को तो बहुत कुछ है और भी, लेकिन अब तशरीफ ला रहे हैं वासे चौधरी। हमारे देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर बताइए आज मैं क्या लग रहा हूँ? मैं कहना तुसी आज बैठे हो ना। हाँ लग गया डुगडुगी ते बांदर बैठा। वाह वाह वाह, आज तुसी स्टूडेंट टाइप लग रहे हो। हाँ हाँ यंग स्टूडेंट है। ओए यंग स्टूडेंट, स्टूडेंट यंग ही होता है। नहीं नहीं कोई तंग भी होता है जिन्हें फीस ना देती हो। वैसे इनोसेंट लग रहे हैं। अच्छा हाँ जर्सी की वजह से। हाँ भाई इतने प्यारे आदमी है। अच्छा जी, मैंने मासे भाई से पूछा, मासे भाई ये बीवी के पांव दबाना ये मोहब्बत है या खिदमत? कहना पता नहीं मेरी तो आदत है। चाचा जूनियर, अगर आज आपने तीन अच्छी बातें की ना तो मैं आपको डिनर पे लेके जाऊंगी। तीन ये बातें अच्छी करे तो डिनर पे तुहाडे पैसे बच गए। क्यामत तिकर उन्हें पैसे नु जाले लग जाने, ताड़े वो खर्चे नहीं जाने। कैसर बुरी बात है, आप ऐसे ना करें, आप ट्राई करें। मैं चाहे किसी से पूछ के करूंगा, करूंगा जरूर। नहीं नहीं मगर आप ट्राई करें। तीन अच्छी बातें, तीन अच्छी बातें यहाँ के, अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छी बात सोचनी चाहिए और अच्छी बात बोलनी चाहिए। तीनों इन बातों में तो चाचा जी को सिर्फ स्टार्टर ही खिला सकते हैं ना। आप तो हफ्ते बाद कच्ची लस्सी पीनी होती है सानू इतने रोज के नहीं। 5,000 का डिनर करती हैं, रिजाइन नहीं करती हैं। ते उसके साग जो मक्खन पाके तो लगी धाम यार। वासे भाई शुक्र करे थे जी इन कुर्सी दीती है, नहीं तो मियां वाली जिस पिंड च रहिंदी ने अल्लाह माफ करे मूड़े ते बैठी हुंदी है ते फुफी दी जुआं कढ़ रही हुंदी है। मैले कपड़े इस्त्री कर रही। मैले क्यों? मैंने कहा मैले कपड़े क्यों इस्त्री कर रही हो? कहने की वो लाइट जाने वाली है, मैंने सोचा इस्त्री कर लू बाद में धो लूंगी। मेहमानों को बुलाना शुरू करते हैं। हमारे पहले मेहमान जो हैं 1993 में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और अब तकरीबन लगभग 25 साल होने वाले हैं उनके एक्टिंग करियर को। एक बड़े ही जबरदस्त एक्टर हैं, चाहे वो ड्रामा सीरियल बंधन था, इनकार था या फिर अभी रीसेंट टाइम्स के अंदर उल्लू बराए फरोख, आपने उनको हमेशा बहुत ही जारहाना एक्टिंग करते हुए देखा। आप सबकी तालियों में जनाब नुमान मसूद। और नुमान मसूद के साथ देंगी कराची से आई हमारी मेहमान, जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की और कोर कमेटी की मेंबर भी हैं, मोहतरमा दुआ भुट्टो। सर दोनों शख्सियतें बड़ी मोतबर हैं। एक शेर है जी सर कि आलू कटकटा गए हैं, आलू कटकटा गए हैं और गोल गप्पे बन बना गए हैं और खाने वाले सारा खजाना खा गए हैं, मगर कोई फिक्र नहीं क्योंकि आज मजाक रात में दुआ भुट्टो साहबा और नुमान मसूद साहब। थैंक यू वेरी मच। बल्कि मैं सोच के ये आया था कि मैं कहूंगा कि मैं छोटा सा था, ये शो देखता था और बड़ी ख्वाहिश थी कि इस शो का हिस्सा बनूंगा। अच्छा उन्होंने पहले शुरू कर देता। मेरा शेर तो पीटीआई के लिए जी। जो भी मेहमान आते हैं वो अपने नसीब का खाते हैं। क्या बात है, जबरदस्त जेन्युइन बात। जो भी मेहमान आते हैं वो अपने नसीब का खाते हैं। ये खान साहब शादी करके लेट क्यों बताते हैं? जवाब तो हम खुद इंतजार करते हैं कि हमें कब जवाब मिलेगा कि लेट क्यों बताया जाता है, हमें तो अभी तक नहीं बताया गया। तो आप लोगों ने कुछ उनसे बात की इस बारे में, एक प्रोसेस को कुछ जरा स्मूथ बनाया जाए कि ये हर बार एक चीज हो रही है और लेट आ रही है तो आगे जो हो उसके लिए आप पहले से एक तदबीर कर लें तैयार? या वो इंतजार कर रहे हैं कि चावल सस्ते हो जाएं क्योंकि हम तो तानू इन्हें तरने की फिक्र नहीं, जिन्हें उन्होंने वलीमे की फिक्र है। वलीमे का तो हमें खुद इंतजार है,
कि हमें पता चले तो हम भी फिर जाएं वली में, अगर से वो बुलाना मुनासिब समझे। वैसे मैंने नोटिस किया, मैंने जब भी पीटीआई वालों से रीसेंट टाइम्स बात की वो बहुत डाउटफुल लगते हैं, तो ये आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि खान साहब नहीं बुलाएंगे आपको? नहीं, ऐसा होता है कि जिस तरीके से आप लोगों को पता नहीं है कि शादी हुई है नहीं हुई, इसी तरीके से हमें भी पता नहीं है। आप फिक्र ना करें, जितने बलेमे होने ना किसी ना किसी पे आप जरूर जाएंगे। टेंट इन्हां दे लगने हैं ना उधर। यानी कि आपको भी कंफर्म नहीं है कि आपको इन्विटेशन आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल, बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। दुआ ये बताइए, आपका नाम जो है वो चलता फिरता तजाद है टू बी इन पीटीआई, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है नवान भाई कि आपका नाम दुआ भुट्टो है और आप हैं पीटीआई के अंदर। सर इन्हों का तो धरने च नारा भी यह होता है, बनेगा नया पाकिस्तान रोटी कपड़ा और मकान। ये इसलिए है क्योंकि मैं एक रियल भुट्टो हूं और मैं एक रियल इंसान के साथ हूं इस वक्त, वो है इमरान खान। उधर वाले भुट्टो हैं वो आपको रियल नहीं लग रहे? वो रियल नहीं है, उन पे तो जरदारियों की मोहर लगी हुई है। मगर वो पार्शियल भुट्टो तो है ना? हाँ ऐसे भुट्टो हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैं भुट्टो हूँ ऐसे भुट्टो नहीं। आप गनवा भुट्टो साहिबा की पार्टी ज्वाइन कर लें, वो तो ऑथेंटिक निकल रहा है भुट्टो। आप देख लें गनवा भुट्टो या उनकी बेटियां या उनके बेटे, वो कहाँ है? वो तो नहीं है ना, क्योंकि वो है रियल भुट्टो। तो आप उनको सपोर्ट करें ना, वो तभी तो आगे आएंगे। हम तो सपोर्ट करते हैं, हम तो कहते हैं आए उस इंसाफ वाली पार्टी में, आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। सर क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे माशाल्लाह, 25 साल होने को आ रहे हैं तकरीबन। और आज भी मैं कहीं जाता हूँ मुझे सीरियसली लगता है कि मैंने कोई 2 साल पहले शुरू किया था। अच्छा, वही शेकी कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट टू लर्न। हम लोग जब ये समझ लेते हैं कि यार आ गया है, तो अभी तो हमें वो नो हाउ समझ आई है कि अच्छा यार ऐसे चलना है। तो जब मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूँ कि यार 25 साल हो गए हैं, 93 में जब मुझसे पूछा जाता है कि आपका पहला ड्रामा कब आया था, तो वो लगता है कि यार 25 साल एक अरसा होता है। वो अंदर का इंसान आज भी वही 5 साल का है और ऊपर 20 साल जो आ गए वो पता भी नहीं चले। तो ये यानी कि टोटल कुल मिला के 25 साल अगर तुम अच्छा, तो आपने पहला ड्रामा क्या 4 महीने की उम्र में किया था? अरे अब तो यही लगता है वैसे कि जब अपनी शक्ल देखता हूँ ना शीशे में, मुझे लगता है कि यार वाकई सर्जरी करा लेनी चाहिए। मगर नहीं वैसे मैंने बहुत दफा सोचा है, मगर कहना नहीं यार ठीक है जो भी हाल। नहीं मगर वैसे आप तो अपने आप को बड़ा आपने मेंटेन किया हुआ है, ऑल दो आप बड़ा एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज देखी है कि आप फ्लक्चुएट करते रहते हैं। वैसे कश्मीरी हूँ ना, खाने का शौक बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा। वो खाने पीने के पास से गुजर जाओ तो वो आधा पौना किलो लगता है वैसे ही चढ़ गया। अच्छा एक जो बोटी काट के हाथ छड़वा लेना। मगर ये शौक शुरू से ही रहा यार? वो शुरू से है, वो हमारी फैमिली एक्टिंग के अंदर आके भी। अब तो एक्टर्स बड़ी डाइट वगैरह। मैं तो एक्चुअली मैं एक जमाना था बहुत स्टंटमैन टाइप इंसान होता था, कि बॉडी बिल्डिंग भी, मार्शल आर्ट्स भी, हॉर्स राइडिंग भी। कितनी दफा मैं घोड़ों से गिरा, बल्कि मुझे नुमान एजाज ने ही कहा था कि यार तू ऐसी हरकतें ना किया कर। मुझे आज भी वो बात याद है कि यार जितने तेरी को टांग बाजू टूट जाएगा ना तो तू 6 महीने के लिए पड़ा रहेगा। ये तो हम जो भी घोड़े से लाके जाने महल ले कहते ही डिगन चला जाए। मगर नहीं अच्छा, यानी कि इतना एथलेटिक वो है? मैं बहुत ज्यादा, मैं बहुत वो था लकड़ हजम पत्थर हजम टाइप इंसान। तो जिस वक्त मैं एक्टिंग में आया तो माई वेट यूज टू बी 122 kg। और लोग मुझे आज भी समझते हैं कि जी आप पहले पतले थे अब आप फैल गए हैं। उनको मैं क्या बताऊं कि उस वक्त के कोट अगर मैं पहनूं तो वो 1-1 फुट बाहर निकले होते थे, मगर क्योंकि उस वक्त दौर ऐसे था कि सारे ही चौड़े थे माशाल्लाह। अब तो सारे ही पतले हो गए हैं, अब तो सारे ही पतले हो गए हैं। जिससे अगली दफा मिलो उसने कोई 8-10 kg कम किया। ये एक आपने सही कहा कि आप बड़ा एक लोग अपने आप को मेंटेन करना शुरू हो गए हैं। अर्लियर सिर्फ एक जिम भी कम लोग जाया करते थे, अब तो एक जब तक जिम में से सेल्फी ना लगाएं आप तो आप क्या जिम गए? यार एक्चुअली वो टाइम और था, उस वक्त हमारे पास वसाइल कम थे, जिम ज्यादा नहीं होते थे। हम लोगों ने बड़े बुरे बुरे जिम्स में भी वर्कआउट किया हुआ है। और मगर उन्होंने अब थोड़ा सा लगता है ना फैशन बन गया जिम में जाके तस्वीर लगाना, जब तो वो भी एक फैशन का हिस्सा यार है। वैसे मुझे ऐसे लगता है कि हम 40s में आ गए हैं ना, तो दिन ब दिन हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो ज्यादा लोग जिम में जा रहे हैं। नहीं मगर अब तो यंगस्टर्स बड़े, आपको देखिए आपके नए स्टार्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। जिम के अंदर ऐसे जाते हैं जैसे बंदा अपने घर, इतना अपना घर नहीं जाते जिम जाते हैं। वैसे मैं अपने यंगस्टर्स को यहां तक कहता हूं कि यार मैंने जो पहला प्ले किया था मैं बहुत बुरा एक्टर था, वो तो बॉडी ये एक्टिविटी इन चीजों में चल गया। अब तो जो हमारे नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं उनका पहला ही प्ले आता है और उनकी परफॉर्मेंसेज और उनका काम बहुत अच्छा होता है। मैं तो सबको कहता हूं कि यार हम लोग तो पता नहीं डांटे खा के सीखे थे, अब तो ये होता है कि अब सहूलतें भी बड़ी हो गई हैं इनको, कि आपने अगर एक सीन बुरा किया है एक बंदे पे मेहनत करते रहो सारा दिन निकाल दो उसको समझ आ जाती है कि अच्छा है इसको एक्टिंग कहते हैं। हमने तो वो किया हुआ है कि पूरा सीन एक गो में जा रहा है और पूरा याद करना पड़ता था। अब तो आपको ना भी याद हो तो आपको बड़े आराम से काम हो जाता है। भाई उन्होंने भी सवाल पूछ लो कि धरना ना दे देने। नहीं वो देंगे, वैसे उनका भी ताल्लुक टीवी से रहा है पॉलिटिक्स में आने से पहले। जी मैं एंकर थी पहले, न्यूज़कास्टर थी। अच्छा मैं समझा टीवी ठीक कर दे। दुनिया
मोहब्बतों में दिलों का ये हाल रहता है, कहाँ पे फोन बिजी था सवाल रहता है। जो तुम तो तेज तकारीर हो असेंबली में, तो मेंबरान का चेहरा भी लाल रहता है। तमाम साल ही महंगाई कम नहीं होती, हर एक साल यही तो मलाल रहता है। कहाँ देते आए नहीं? गाड़ियों पे आए। गाड़ियां केड़ियां जिन्होंने धागा बन के त्रुई दे